एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक जहांगीराबाद में स्थित गंगवास पहाड़ा गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 38 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने पुष्पा सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 2400 की आबादी एवं 1475 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 275 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 225 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 25 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा एक हैंडपंप रिवोल्व कराया गया है। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 4 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 74 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री, स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम गंगावास पहाड़ा, प्रधानपति दिनेश प्रधान, ब्लॉक जहांगीराबाद, तहसील अनूपसर, थाना जहांगीराबाद, जिला बुलंदशहर। मेरे गांव में पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, जो नाले की आवश्यकता है। एक हमारे दलित बस्ती के लिए जो मेन रोड है उसके बीच की दूरी लगभग 250 मीटर, जो कि आज तक गांव का संपर्क मार्ग टूटा हुआ, वो जुड़ने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे प्राइमरी स्कूल में चार दीवारी, इंटरलॉक, कमरों की मरम्मत, फर्श होने की आवश्यकता है। नलों की लगभग दस नलों की ज़रूरत है, हैंडपम्पों की। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास हमारे 12 नाम गए हुए हैं, लेकिन एक भी आवास अभी तक नहीं आया। नाली, एक नाला बनवाया पानी निकासी के लिए, एक नाली मरम्मत कराई है, 4-5 गली जो इंटरलॉक कराई है, जूनियर हाई स्कूल की शौचालय बाथरूम बनवाए हैं और उसकी चार दीवारी कराई है, बिल्डिंग की मरम्मत कराई है, फर्श कराए हैं, एक रास्ता जो खरंजा कराया चावल के लिए, पोखर पानी पेयजल की काफ़ी समस्या थी, एक पोखर खुदवाई है जिसमें गांव का पानी जाता है। हम समाज की जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन डूंगरा के लोगों ने, जो दलितों की ज़मीन है उसके कई बार छुड़वा चुके हैं और आज भी उनके कब्जे में है, डूंगरा के लोगों के, जो कि लगभग 40-45 बीघा ज़मीन है और आज तक दलितों के लिए हमारे गांव में का लगभग 60% SC रहते हैं, जो निर्धन हैं, भूमिहीन हैं, इनके लिए भूमि बिटोरा और अपनी गुजर करने के लिए कोई ज़मीन नहीं है, इसकी व्यवस्था कराई जा। कई ऐसी समस्या हैं, राशन कार्ड में जो पात्र लोग हैं उनके नाम रह गए हैं, राशन कार्ड की बड़ी समस्या आ रही है और ऊपर से राशन कम आ रहा है, राशन डीलर से जो आए दिन झगड़ा होते रहे में कि हमें राशन दो, जब सूची में नाम नहीं है तो राशन कहाँ से देवे, इसलिए राशन कार्ड और बढ़वाए जाए हमारे यहाँ। प्रधानों का मानदेय बहुत कम है, प्रधानों का मानदेय कम से कम 20,000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि प्रधान के काफ़ी खर्चा होते हैं और एक बहुत ही जो चपरासी है उसकी 25,000 रुपये तनख्वाह है और प्रधान की कुल जो 3,500 रुपये है।